तो हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो तुम सभी लोग। वेलकम टू एनिमे वीकली न्यूज़ 5th चैप्टर। तो आज एनिमे वीकली न्यूज़ का 5वां चैप्टर है और इस वीडियो में आपको बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा, पोकेमॉन की न्यू मूवी और पोकेमॉन की कोई न्यू सीरीज आने वाली है क्या नहीं, फिर सुपर वी को कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला फैंस की तरफ से और चैनल्स की तरफ से। उसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर का भी कोई अपडेट आया है कि उसकी कोई न्यू सीरीज आएगा या कोई मूवी आएगा, और स्टूडियो का से भी कोई एक नया पार्ट रिवील हो चुका है, जो सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो बस देखते रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। नंबर 1, एक जंप फेस्ट होने वाला है। चिया गाइस, बात करके पता चलेगा कि कौन सी एनिमे सीरीज नई बनने वाली है, और बहुत से कुछ मूवी भी बन सकती है, सीरीज भी बन सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा रिमर्स ये आ रहे हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर की कोई मूवी या तो कोई सीरीज बनने वाला है। तो बस हो सकता है कि कोई इसके ऊपर सीरीज आए, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी अगर ड्रैगन बॉल्स की कोई नई सीरीज का अनाउंसमेंट हो जाए तो ड्रैगन बॉल्स को भी सपोर्ट करना, हो सकता है कि वो इंडिया में भी आ जाए। न्यूज़ नंबर 2, बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन यानी कि बेब्लेड जनरेशन 3 का 2nd सीजन एयर हो चुका है मार्वल HQ चैनल पर, वो भी हिंदी डब में, और इसकी टाइमिंग भी पूरी तरह से कन्फर्म है। ये मार्वल HQ चैनल पर आपको देखने को मिलेगा शाम को 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, पर थोड़ा जल्दी टीवी लगा देना क्योंकि टाइम थोड़ा चेंजिंग भी हो जाता है और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है क्योंकि उसकी शुरुआती टाइम भी थोड़ा कम होता है। और ये भी कुछ लोगों का सवाल है कि बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन इतनी जल्दी डब कैसे हो गया और मेटल सीरीज अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो इसका वजह ऐसी बोलना है कि बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन पहले ही 10 एपिसोड हिंदी डब थे, तो 10 एपिसोड के बाद इसके डबिंग चल रही है, तो इसलिए इसका जल्दी डब हो गया। पर मेटल सीरीज को भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी डबिंग और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने पर आ रही है, तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही अच्छे डब में आएगा। न्यूज़ नंबर 3, पोकेमॉन की न्यू सीरीज मार्वल HQ या तो हंगामा यानी कि डिज्नी इंडिया एयर कर सकता है। जी हाँ, पोकेमॉन की कोई न्यू सीरीज जैसे कि अभी हाल ही में सीजन 12 स्टार्ट हुआ है, और हो सकता और ऐसा भी कुछ रिमर्स आया था कि सीजन 13 पहले ही डब हो चुकी है और कुछ ही हफ्तों पहले उसकी डबिंग ख़त्म हुई है। और वही हम बात करें ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ की, तो वो पहले ही मतलब डब हुई है, वो कुछ ही हफ्ते या तो महीने पहले ही डब हुआ है। और वही हम बात करें पोकेमॉन XY सीरीज़ की, तो वो पहले ही हंगामा ने डब करके रखा है, तो वो जब चाहे इसे एयर कर सकते हैं। और वैसे भी हो सकता है कि वो XYZ के भी राइट्स खरीद ले, और इसके लिए हमें एक और टैग वाला नया अपडेट आया है कि ये जो पिक आपको मैं लोगों से बता रहा हूँ, आपको ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है इसे स्क्रीनशॉट करके मार्वल HQ या मतलब तो डिज्नी इंडिया को इंस्टाग्राम पर टैग करना है, और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा डिज्नी इंडिया को कि पोकेमॉन के कितने सारे न्यू फैंस मतलब कितने सारे फैंस हैं, तो इसी तरह वो फैंस को देखकर ही वो न्यू सीरीज ला सकते हैं। और वैसे भी डिज्नी इंडिया ने कहा है कि वो न्यू सीरीज़ ज़रूर खरीदेंगे, सन एंड मून के भी राइट्स लेंगे, बस उन्हें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पर टैग करो और डिज्नी इंडिया को टैग करो, और बाकी जिसको भी टैग करना है आप कर सकते हो। और अभी के लिए तो पेडिशन या फिर जो भी होगा पोकेमॉन के लिए उसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आया है। अपडेट नंबर 4 ये है कि सुपर वी की जो सीरीज़ आई थी उसे कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला कि लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, खासकर डिज्नी नेटवर्क और स्टार नेटवर्क। और इसके तीन ही एपिसोड्स में उन्हें 5.77 करोड़ का बहुत ही अच्छा फीवर्स मिले हैं, जिससे हो सकता है कि सुपर वी को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिले डिज्नी इंडिया की तरफ से। अपडेट नंबर 5, कर्मा चक्र का जो तीसरा स्लिप है मतलब छोटा सा मिनी पार्ट, बहुत ही 3 या 4 हफ्ते पहले ही
मतलब 2 या 3 ऐसे ही कुछ हफ्ते पहले रिवील हुआ था जो मैं पिछली एनिमे वीकली न्यूज में नहीं बता पाया था, पर इस बार बता रहा हूँ। उसका पार्ट रिवील हो चुका है। स्टूडियो 2 का चैनल पर जाके देख लो, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप कर्म चक्र का 3रा मिनी पार्ट देख सकते हो। और अपडेट नंबर 6 इस हफ्ते की सबसे बड़ी अपडेट है। जी हाँ, पोकेमॉन की जो नई मूवी 33 जरूर और महाजाल का उस्ताद, वो भी बहुत ही नामुमकिन था इस साल में आने का। जी हाँ, इस साल में आना नामुमकिन था, पर फिर भी डिज्नी को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला सिर्फ सीजन 12 वाली मूवी का। मतलब इस साल में हमें 2 मूवीज़ देखने को मिलेगा पोकेमॉन का। पहला तो आप लोग देख ही चुके हो हंगामा पर, जिसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से उन्होंने सीजन 30 का मूवी भी रिवील कर दिया है। और इसका टाइमिंग भी पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं है, पर फिलहाल के लिए तो हमें इतना पता है कि ये मार्वल मतलब हंगामा चैनल पर आएगा। जी हाँ गाइस, हंगामा चैनल पर आएगा और बहुत ही अच्छा, जैसे 12 PM को काफ़ी अच्छा टाइमिंग भी मिला है, जिसे आप बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। और इसका रिपीट शो भी मार डिज्नी इंडिया दिखा सकता है, क्योंकि तो आपको तो पता ही है कि कुछ हफ्ते पहले से डिज्नी इंडिया भी पोकेमॉन को मतलब डिज्नी चैनल भी पोकेमॉन के न्यू मूवीज़ दिखा रहा है, तो इस सीरीज़ को रिपीट शो भी उसी चैनल पर दिखा सकते हैं। तो पोकेमॉन को बस इस मूवी का सपोर्ट तो ज़रूर करना है। तो बस ये सत्य की एनिमे वीकली न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। हम होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों शेयर भी कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।